तीन कृषि कानून को लेकर देश भर में जमकर बवाल हुआ था। एक साल से ज्यादा समय तक किसानों ने आंदोलन किया था। किसानों के लगातार चले विरोध प्रदर्शन और नाराजगी को देखते हुए सरकार को तीन काले कानून वापस लेने पड़े थे। वहीं मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, जो अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं, अब उन्होंने किसानों पर जो बयान दिया है उससे फिर घमासान मच गया है। कंगना रनौत कुछ बोले उस पर विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, आपको बता दें कि मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों से जुड़ा ऐसा बयान दे दिया है कि फिर से वो सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े तीन कानून वापस आने चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसानों को खुद इसकी डिमांड भी करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि उनका ये बयान कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो थ्री लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। तो सुना आपने, आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब कंगना ने कोई पहली बार ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी उनके कई बयान सामने आ चुके हैं और उस पर जमकर विवाद भी हुआ है। बता दें कि इस मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी और कंगना रनौत पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस ने एक्स पर कंगना की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि किसानों पर लादे गए तीन काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही, देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर लिखा कि तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए। बीजेपी एमपी कंगना रनौत जिन तीन काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालिफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। वहीं अनुराग पटेल नाम का यूजर है, वो लिखते हैं कि देश के किसानों से हारकर नरेंद्र मोदी ने जो तीन काले कानून वापस लिए थे, बीजेपी सांसद कंगना रनौत की डिमांड है कि वो काले कानून वापस लाए जाएं। हरियाणा, पंजाब और यूपी की ओर से किसानों ने दिल्ली को घेरा था, तब जाकर जीत मिली थी। कितने किसान शहीद हुए, कितने घर तबाह, क्या फिर ऐसा होगा? तो कंगना के बयान पर इस वक्त जमकर बवाल मचा है। विपक्ष बीजेपी और कंगना रनौत पर जमकर हमलावर है।